जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। एक बार कीर्तन करने का फल सुनिए, कल्याण पत्रिका से। प्रारब्ध भिन्न प्राचीन पापों का क्षय करने के लिए एक बार का ही कीर्तन साधन है। एक बार के ही कीर्तन से समस्त प्राचीन पापों का क्षय हो जाता है, यह निर्बाध सिद्धांत है। इसके समर्थक असंख्य शास्त्रीय वचन है। एक बार के कीर्तन से पाप का क्षय होता है। कीर्तन की आवृत्ति करने से कीर्तन विषयक वासनाओं की वृद्धि और पाप वासनाओं का ह्रास होता है। इसके पश्चात भगवान के भक्त जनों की सेवा में निरंतर लगन होती है। फिर उनके द्वारा वर्णन की हुई महिमा से युक्त भगवान पुण्य श्लोक शिरोमणि में सौभाग्यशालिनी नैष्ठी की भक्ति का उदय होता है। सौभाग्यशालिनी नैष्ठी की भक्ति का उदय होता है। उसके शोक आदि का अत्यंत नाश हो जाता है। तत्पश्चात सत्व गुण की अत्यधिक मात्रा में वृद्धि होती है। फिर तत्व का साक्षात्कार होता है और उससे मुक्ति हो जाती है। यह विषय श्रीमद् भागवत में विस्तार के साथ वर्णित है। अब प्रश्न होता है कि भगवान के सभी नाम मिलकर ऐसी शक्ति रखते हैं कि अलग अलग एक एक नाम में भी यही शक्ति है। यदि अलग अलग नामों में शक्ति मानी जाए तो क्या कुछ ही ऐसे नाम हैं जो अलग अलग ऐसी शक्ति रखते हैं, या सभी नामों में पृथक पृथक यही शक्ति है? यदि सभी नामों में शक्ति है तो भगवान के हजारों नामों में से एक न एक नाम सभी अपने जीवन में सुन लेते या उच्चारण कर लेते होंगे। उन सबके पाप नष्ट हो जाने से नरक की सृष्टि ही व्यर्थ होगी। इसके अलावा सभी नामों में बराबर ही सामर्थ्य है तो एक से ही पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाने के कारण अन्य नाम व्यर्थ ही हैं, तथा सब नामों में समान शक्ति मानने पर यह दोष आता है कि एक ही राम नाम को हजार नामों के बराबर कैसे बताया जा सकता है? क्या एक दीपक में जितना प्रकाश होगा एक हजार दीपक में भी उतना ही होगा? इन प्रश्नों के उत्तर में कहते हैं, ग्रंथकार कहते हैं, भगवान के सभी नामों में से प्रत्येक का ही ऐसा सामर्थ्य है। इससे नरक की सृष्टि निरर्थक नहीं होगी, क्योंकि प्राचीन पाप के किसी प्रकार दग्ध हो जाने पर भी उसके बाद होने वाले पापों से और महात्माओं के अनादर से नरक में गिरना भी संभव है। यदि कहें कीर्तन की आवृत्ति कर लेने से कोई भी नरक में नहीं गिरेगा, अतः नरक सृष्टि व्यर्थ ही है, तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि सबके द्वारा कीर्तन की आवृत्ति ही होगी ऐसा नियम नहीं है। अतएव जिन पर भगवान ऋषभदेव का अनुग्रह भी हो चुका था उन राजा भरत को भी अपना प्रत्यक्ष अनुभव विघ्न से आवृत हो जाने के कारण तथा विक्षेपों द्वारा भगवान की उपासना उच्छिन्न हो जाने से उसके बाद होने वाले मृगासक्ति रूप कर्म के द्वारा निकृष्ट मृग देह की प्राप्ति हुई, अथवा उनकी मृग योनि भी पूर्व जन्म की स्मृति वैराग्य और जीव दया आदि गुणों से युक्त होने के कारण मोक्ष के अनुकूल ही थी, इसलिए उसके आरंभक कर्म की निवृत्ति के निमित्त भक्ति ने प्रयत्न ही नहीं किया। महात्माओं का अपमान करने से भी नरक की प्राप्ति होती है। वैकुंठ धाम में निवास करने वाले जय और विजय का ब्रह्म ज्ञानी संकादिकों के अपमान से अधपतन हुआ ब्रह्म ज्ञानियों तथा भगवत भक्तों के अपमान से होने वाले पाप से तो भगवान की उपासना द्वारा भी उद्धार पाना कठिन है। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन है। जो यह कहा था कि एक नाम से ही पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाने से
अन्य नाम निरर्थक हो जाएंगे, वह भी ठीक नहीं, क्योंकि विभिन्न पुरुषों के द्वारा भिन्न भिन्न नामों का उपयोग हो जाने से सभी नामों की पुरुषार्थ साधनता सिद्ध हो जाएगी। फिर जो ये कहा था कि समान महिमा वाले नामों का समाहार हो जाने से एक राम नाम की हजार दूसरे नामों के समान महिमा नहीं हो सकती, जैसे एक दीपक का प्रकाश हजार दीपों के प्रकाश के बराबर नहीं हो सकता, सो यह कथन भी परिच्छिन्न परिमित प्रभाव वाले दीपक आदि में ही संगठित हो सकता है, निरंकुश महिमा वाले भगवान नामों में नहीं। चिंतामणि का समूह हो या एक चिंतामणि, कल्प वृक्षों का वन हो या एक कल्प वृक्ष, तथा कामधेनुओं का समुदाय हो या एक कामधेनु, इनके प्रभाव में कोई अंतर नहीं होता। एक से भी सारी कामनाएं पूर्ण होंगी, अतः भगवान का एक नाम भी हजारों नामों का कार्य पूर्ण करने के कारण हजार के समान कहा जा सकता है। वास्तव में सभी नामों में अनंत प्रभाव है। कुछ लोग कहते हैं जैसे दवा का नाम लेने मात्र से रोग दूर नहीं होता, चीनी कहने से मुंह मीठा नहीं होता, तलवार का उच्चारण करने से ही जीभ नहीं कट जाती, उसी प्रकार भगवान का नाम लेने मात्र से पाप का क्षय नहीं हो सकता, फिर नाम कीर्तन क्यों किया जाए? इसके उत्तर में कई बातें कही जा सकती हैं। पहली बात यह है कि दवा चीनी आदि जड़ वस्तु का नाम है, अतः नाम लेने से उसकी उपस्थिति नहीं होती, परंतु चेतन का नाम लेने से उसकी उपस्थिति देखी जाती है। जैसे लोक में देवदत्त कहकर पुकारने से देवदत्त नाम वाला मनुष्य उपस्थित होता है और आवश्यक कार्य पूर्ण करता है, उसी प्रकार भगवान का नाम लेने से भगवान की उपस्थिति हो जाने के कारण पाप क्षय आदि कार्यों की सिद्धि हो जाती है। इसके अतिरिक्त देवदत्त तो अन्यत्र एक स्थान में रहता है, अतः पुकारने या बुलाने से आता है, परंतु भगवान तो सर्वत्र हैं और सर्वदा उपस्थित हैं। नाम लेने से उनकी कृपा दृष्टि मात्र होती है। यदि कहें क्या भगवान विषम दृष्टि रखने वाले हैं, जो नाम लेने वाले पर ही कृपा दृष्टि करते हैं औरों पर नहीं, तो इसका उत्तर यह है कि जैसे कल्प वृक्ष सब पर समान रूप से छाया करता है, समान रूप से सबकी कामनाएं पूर्ण करता है, तो भी जो उसके पास जाता है वही उससे लाभ उठाता है, उसी प्रकार भगवान की तो सब पर समान रूप से ही कृपा है, किंतु जो नाम कीर्तन आदि के द्वारा भगवान का सहारा लेता है वही उनकी कृपा का अनुभव करता है। यदि सामने रस का समुद्र ही लहराता हो और कोई संतप्त पुरुष मोहवश उसमें गोता ना लगाए तो समुद्र का क्या दोष है? जय श्री राधे।